देखो आज के टाइम पे गेम प्ले सबको इम्प्रूव करना है, कोई 2 घंटा के लिए गेम प्ले इम्प्रूव करता है, कोई 10 घंटा अपना ग्राइंड करता रहता है, बट फिर भी उसका गेम प्ले इम्प्रूव नहीं होता है। तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली तुम्हारी चीजें हैं जो तुम एग्जीक्यूट करते हो, आई मीन जो तुम गेम प्ले इम्प्रूव करने के लिए अपने प्लान एग्जीक्यूट करते हो, चाहे वो प्रैक्टिस कस्टम को लेकर के हो या रैंक को लेकर के हो या फिर टूर्नामेंट ग्राइंडिंग को लेकर के हो, हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और तुम्हें प्रेफर करेंगे सही तरीका दिखाने का। मेरा एस्पेक्ट रहेगा तुम्हें वीडियो में पूरी तरीके से समझाने का। और गाइस देखो, बहुत सारी चीजें हैं, चीजों को तुम एक वे में लेकर के चलना, एक रिदम में उन्हें समझते हुए चलना, ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिल पाए। एंड गाइस, रेगुलर टूर्नामेंट प्रैक्टिस कस्टम खेलने से आपका गेम प्ले इंप्रूव होता भी है या नहीं होता है, आप टूर्नामेंट खेल रहे हो तो आपका गेम प्ले इंप्रूव हो भी रहा है कि नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले, कुछ जेन्युइन पॉइंट्स रखने वाले जिसकी वजह से आपको अपने आप से मतलब आप रिलेट कर पाओगे कि हम जा रहे हो डायरेक्शन सही है या नहीं है, आप उसको चेंज करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आपको उसमें क्या इंक्रीमेंट करना है, क्या मॉडिफिकेशन करने, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। तो बेसिकली देखो यार, ये चैनल है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे आप लोग की मदद होती है। खैर मेरा इसमें कोई अभी तक अर्निंग का सोर्स नहीं हुआ है, मतलब जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, मेरे से भी एक पैसे की अर्निंग यहां से मतलब चैनल से नहीं हुई है और YouTube की बात कर रहा हूँ मैं। और गाइस अगर मेरा कोई रिस्पांस नहीं मिलता है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, उसका मतलब वो मेरा एफर्ट है, मैं अपने आपको मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बट यू नो चीजें तभी वर्क करती हैं जब दोनों तरफ से मतलब एफर्ट किए जाए, बट फिर भी मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है देन गाइस हमेशा मैं यही खड़ा हूँ, मैं वीडियो क्रिएट करता रहूंगा, आप सजेस्ट करते रहोगे और आपकी हेल्प होती रहेगी और शायद मैं भी थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ। खैर वो तो बात की बात है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, अगर मैं टूर्नामेंट के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो अगर कोई बंदा टूर्नामेंट खेलता है, आई मीन कोई एक टीम प्रेफर करती है टूर्नामेंट खेलना, रेगुलर टूर्नामेंट खेलती है डिस्कॉर्ड से या कहीं से भी टूर्नामेंट खेलती है, तो देखो कुछ कंडीशंस होगी। पहली बात तो उसको बहुत सारी कंडीशंस मतलब मिलेंगी, डिफरेंट कंडीशन टूर्नामेंट गेम के अंदर मिलेंगी फेस करने के लिए, और उससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलने के साथ साथ देखो तुम बहुत सारे 49 बंदे से कम मतलब खुद को कंपेयर कर रहे हो, आई मीन तुम्हें मतलब सामने आपके बहुत सारी टीम होंगी, ठीक है, जिनमें अलग अलग एथलीट होंगे, 4 पेयर होते हैं, तो उनसे तुम कम्पीट कर रहे होगे, खुद को अपनी परफॉर्मेंस भी तुम उनसे कम्पीट कर रहे होगे उस टाइम। एंड गाइस वो सिचुएशन वो वक्त कुछ ऐसा होता है, अगर तुम बैक टू बैक लॉबीज खेल रहे हो, बैक टू बैक टूर्नामेंट खेल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे सारे टूर्नामेंट हिट जा रहे हैं, तुम कहीं ना कहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं नीचे आ रहे हो। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउनफॉल में जा रहा है, फिर भी तुम सोच रहे हो कि मैं टूर्नामेंट खेल के इनको इंप्रूव कर लूंगा, और गाइस कोई एक पर्टिकुलर बंदा है तुम्हारी टीम में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फिर भी तुम उसको अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हो और वो सोच रहा है कि मैं भी कर लूंगा, धीरे धीरे खेलता रहूंगा, तो गाइस ये तुम बहुत बेकार कर रहे हो, मतलब बहुत गलत कर रहे हो, यहां से तुम्हारी टीम का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अब वो कैसा डाउनफॉल स्टार्ट होता है तुम इस चीज को समझो, गाइस इसको समझो एक रियल लाइफ एग्जांपल से। अगर तुम्हारा कोई रिलेशन है एंड गाइस उस रिलेशन में तुम एक अपनी कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट एल्गोरिथम से तुम उस रिलेशन को चला रहे हो, मतलब जो चीजें तुम पहले कर रहे थे वही तुम आज भी करते आ रहे हो और वही चीजें तुम आगे भी सोच रहे हो। अगर तुम्हारा पहले अच्छा चल रहा था, तुम सोच रहे हो वही चीज अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो आगे भी वो अच्छा ही चलेगा। गाइस देखो, टाइम को ना तुम देख के आयो ना मैं देख के आया हूं, लेकिन चीजों के नेचर को तुम मतलब इंसान के नेचर को तो तुम भांप सकते हो ना। अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए तुम एक बंदे के साथ रहते हो, किसी के साथ रहते हो, तो उसका नेचर कैसा है तुम्हें पता चल जाता है। और गाइस अगर तुम उसी सेम नेचर के साथ किसी बंदे के साथ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू करते हो, तो वो बंदा आराम से बोर हो जाता है और बोर होने के साथ साथ उसे ऐसा लगने लगता है कि बाकी में और तुम्हें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो तुम भी एक आराम से एक आदमी के साथ या फिर बाकी लोगों के साथ तुम कॉमन दिखने लगते हो। सेम यही चीज तुम एक मेटा के ऊपर रिलाई कर लो, मेटा के ऊपर ले लो। अगर एक गेम के अंदर पर्टिकुलर मेटा आता है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, अगर तुम अपना गेम प्ले टाइम टू टाइम इंप्रूव नहीं करते हो, आई मीन तुम उसी पे स्टक रहते हो और वही चीजें तुम सोचते हो अगर मैं इस मेटा में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लोगों की बहुत बड़ी गलती यहीं पर होती है, मिस्टेक करते हैं बाकी लोग T3 के प्लेयर होते हैं या फिर T2 के प्लेयर होते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक मेजर मिस्टेक यहीं पे करते हैं। अगर एक टाइम पीरियड में वो अच्छा खेल रहे हैं, वो सोचते हैं हम जो सारी चीजें यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सारा एग्जीक्यूशन हम अगले मैच में भी करेंगे, आने वाले टाइम में भी करेंगे। देखो गाइस आने वाले टाइम में धीरे धीरे गेम चेंज होता रहता है, शायद तुम जो वेपन आज यूज कर रहे हो कल वो उतनी यूजफुल ना रहे, शायद तुम जो कैरेक्टर स्किल आज लेके खेल रहे हो आगे चल के उसका रिडक्शन हो जाए, उसके कुछ पॉइंट्स जो है जो मेजर पॉइंट्स है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, उसकी स्किल कम कर दी जाए, तो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिलाई होकर तुम्हारा गेम प्ले इंप्रूव के सिवा बहुत डाउनफॉल में जाएगा। आप इस चीज को समझो। देखो मित्रों, इस चीज से तुम ये समझो कि डेली टूर्नामेंट खेलने से या फिर डेली लॉबी खेलने से तुम्हारा टूर्नामेंट का परफॉर्मेंस एक्सीड नहीं होगा, तुम्हें सही ढंग से खेलना आना चाहिए। अगर तुम सही ढंग से खेलोगे तब तुम्हारा मतलब परफॉर्मेंस और सारे तुम्हारे डोमिनेशन कोऑर्डिनेशन सब कुछ बढ़ेगा, बट अगर तुम सही तरीके से नहीं खेलोगे तो पर्टिकुलर टाइम के बाद तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और अगर टाइम टू टाइम तुम्हें ट्रांसम्यूट करना होता है, मतलब एक गलत डायरेक्शन में नहीं बोल रहा हूं, एक सही डायरेक्शन में तुम्हें खुद को बदलना होता है और बाकी टीम के कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद खुद की कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सारे टीममेट्स का बिहेवियर सब कुछ चेंज करना होता है। बिहेवियर इन द सेंस की गेम प्ले के सेंस में बोल रहा हूं मैं, एक नेचर के बात नहीं कर रहा हूं, मतलब गेम प्ले के सेंस में बात कर रहा हूं, बिहेवियर चेंज करना होता है। एंड गाइस इसका सलूशन यही है कि तुम प्रैक्टिस कस्टम खेलो। अब प्रैक्टिस कस्टम हमेशा तुम टूर्नामेंट में मत खेलो, टूर्नामेंट लॉबी एक अलग चीज होती है और प्रैक्टिस या फिर रैंक बहुत अलग होता है। गाइस प्रैक्टिस में क्या होता है, तुम हमेशा प्रेफर करो रैंक खेलना, 1v2, 1v3, 1v4 क्लच करना, इससे रशर और सपोर्टर का दोनों का कंडीशन बढ़ेगा। गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम हमेशा अपने आप को अकेले लेके खेलो, मैं तब बोल रहा हूं जब सारे तुम्हारे प्लेयर अवेलेबल ना हो, तब तुम रैंक प्रेफर कर सकते हो अलग अलग मोड में। अगर तुम एक रशर हो या फिर एक तुम
तुम सपोर्टर हो, तुम कोई भी रोल प्ले करते हो गाइस, वो मैटर नहीं करता, तुम अपने पार्टिकुलर स्पेसिफिक रोल में एकदम परफेक्ट हो जाओगी। इसलिए बोल रहा हूँ हमेशा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को रिलाई करना सीखो, हमेशा अलग अलग कंडीशन में खेलना सीखो। सो यस गाइस, दिस वीडियो जस्ट टू अवेयर सम ई स्पोर्ट एथलीट्स, हमेशा ग्राइंडिंग काम नहीं आती है, इस चीज को तुम समझो। सही ढंग से ग्राइंड करना वर्क करता है, और हमेशा मतलब टूर्नामेंट लॉबीज खेलने से तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तुम अलग अलग कंडीशन में रिलाई करना सीखो। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, अपनी अगले वीडियो जल्दी आने वाली, थोड़ा डिले हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो आप। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक कि बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।